सो वेलकम बैक टू रिजू गेमर गाइस, आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए जीरो मोड वर्सेस 30 मोड्स इन माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। मैं इस वीडियो के लिए काफ़ी दिन से प्लानिंग कर रहा था, लेकिन मैं बहुत आलसी हूं तो मैं हो नहीं पाया, लेकिन मैंने आज तो डिसाइड कर लिया कि आज तो इस वीडियो को बना कर ही रहूँगा। तो प्रेजेंट टू यू, तो सबसे पहले तो मैंने गेम एक वर्ल्ड बना लिया, तो इसमें हम करेंगे 30 मोड एड्स। तो ये तो हम वही है नॉर्मल जो खेलते हैं, बोर हो चुके हैं। मैंने सोचा क्यों ना इसमें कुछ यूनिक किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें जो साइड में ये बटन्स आ रहे हैं इनको हटाएं और इसमें एक बढ़िया सा ग्राफिक्स पैक लगाएं। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए यूज किया है कि नो बटन, और दूसरा मैंने एक किया है मॉडर्न आर्ट टेक्स्चर पैक का यूज। सो इस टेक्स्चर पैक से काफ़ी अच्छी डिटेलिंग आ जाती है, लाइक इन ग्रीज में देखो एक ग्लीव दिख रही है, एक ग्लीव, और ये सामने देख सकते हो ये रोज काफ़ी अच्छा एकदम 3D सा दिख रहे हैं, यहाँ से देख सकते हो। ये काफ़ी एक बढ़िया सा ग्राफिक्स मुझे लगा, इसमें लैग भी इतना नहीं होता, एक हैवी ग्राफिक्स होने पर भी। और ये देख सकते हो कितना ही रियलिस्टिक एकदम आ रही है वुड्स की लुक। तो ये ओवरऑल इसने सब कुछ तो बदल दिया, लेकिन स्काई को नहीं बदला। तो मैंने इसमें ऐड किया बेटर स्काई, जिससे आप देख सकते हो क्या ही बढ़िया लुक आ रही है, एकदम रियलिस्टिक, सन भी बढ़िया दिख रहा है। सो इन तीन मोड्स को इंस्टॉल करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन को माइनक्राफ्ट जावा वाली लुक दी जाए। तो उसके लिए मैंने इसमें ऐड किया है जावा अचीवमेंट, लाइक अगर मैं इस वुड को लूँगा तो देखना अब मुझे अचीवमेंट मिलेगी, लाइक जैसे जावा एडिशन में मिलती है। इससे गेम काफ़ी और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे इसका रिसोर्स पैक और बिहेवियर पैक दोनों इंस्टॉल किया। और हाँ गाइस, मैंने जितने भी मोड को यूज़ किया है वो किया है मैंने माइनक्राफ्ट MCPDL से, आप भी वहाँ से जाके देख सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मैंने एक और मोड इंस्टॉल किया बेटर शील्ड, इससे शील्ड देख सकते हैं काफ़ी बेहतर सी हो गई एकदम, लिया होता है ना ये पहले तो थी एकदम अलग सी, लेकिन अब थोड़ी रियलिस्टिक लुक देने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है बैटर शील्ड, जो दिखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इनके बाद जो मैंने मोड इंस्टॉल किया है वो है मॉब एनिमेशन, लाइक इससे मॉब्स काफ़ी एक एनिमेटेड तरीके से चलेंगे, और ये ही मुझे इसका बहुत ही बेहतरीन मोड लगा। अब ये हस्क देखो गाइस, ये किस तरह का चल रहा है, जैसे लंगड़ा हो गया हो। अब मैं यहाँ पर विलेजर्स स्पॉन करूँगा, अब देखना अब ये इसे किस तरीके से चेज करता है गाइस, मुझे बहुत फनी पार्ट लगा। देखो गाइस वो किस तरीके से भाग रहा है, विलेजर बच्चा उसका पिट रहा है, और ये किस तरीके से भाग रहा है। अब देखो आगे मैं इसके सामने एक और स्पॉन कर देता हूँ, और आप देखना क्या किस तरीके से भागता है, ये देखो गाइस। तो इसके बाद मैंने नेक्स्ट मोड भी मॉब्स के ऊपर लगाया है, मैंने लगाया है 3D मॉब्स, लाइक देख सकते हो आप इसके सींग आ चुकी हैं गाय के, और ये जो स्केलेटन है सामने ये पता नहीं पहले कहाँ से तीर निकालता था, तो हमने इसे एक बैक पैक टाइप दे दिया जिसमें तीर रखता है। तो ये भी एक काफ़ी रियलिस्टिक सा है, इससे सारे ही जितने भी विलेजर है या फिर कोई और से एनिमल है सब 3D हो गए। तो नेक्स्ट मोड जो मैंने लगाया वो है रियलिस्टिक साउंड, इससे गेम का जो साउंड है वो ही रियलिस्टिक हो जाता है और इन्हांस भी हो जाता है, लाइक अब इनकी आवाज़ सुन सकते हो, ये एकदम काफ़ी नेचुरल आवाज़ आती है इस काउ की, या फिर वो होती हैं सीप्स, एकदम रियलिस्टिक आवाज़ आती है। तो नेक्स्ट मोड जो मैंने इंस्टॉल किया है वो है ADA ग्लास, यानी कनेक्टेड ग्लास। इस टेक्सचर पैक के जो मुझे गिलास ये कांच है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे थोड़ा जावा वाली लुक दी जाए इनकी गिलास को भी। तो मैंने इसमें ऐड किया है ADA ग्लास पैक, अब देखो इन गिलास को, और अब देखो ये थोड़ा मुझे कनेक्टेड गिलास मुझे ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल गिलास होते हैं। तो इस मोड के बाद मैंने ऐड किया है मोर फूड रिसोर्स पैक और बिहेवियर पैक, लाइक ये देख सकते हो आप, इस ये मोड आपके गेम में बहुत सारे न्यू अलग अलग टाइप के फूड्स ला देता है जिसे आप खा सकते हो। तो इसके बाद मैंने ऐड किया थोड़ा एडवेंचर को बढ़िया बनाने के लिए मोर बायोम्स, ये आपके गेम में बहुत अलग अलग टाइप की बायोम्स ऐड कर देता है, ये अपने आप ही नेचुरली
जनरेट होती रहेंगे जितना इन्हें आप एक्सप्लोर करेंगे। ये आपके एडवेंचर को काफ़ी अच्छा बना देंगी। तो इस मोड के बाद मैंने आपके एडवेंचर को और बढ़िया बनाने के लिए इसमें ऐड किया है रैंडम ट्रेजर। लाइक आप अगर ऐसे ही कहीं घूमते हो तो आपको इस तरीके का मतलब कई अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे आप अगर इसे हिट करोगे तो ये आपको बहुत सारे सामान रैंडम मिल सकता है, इससे आपका एडवेंचर और भी अच्छा हो जाएगा। Oh my God! Wow! तो इस रैंडम ट्रेजर मोड का जो सबसे अच्छा पार्ट लगा मुझे वो है ये। लाइक देखो ये स्वॉर्ड किस तरीके से जमीन में गड़ी हुई है और आप इसे ले भी सकते हैं। इस पर टैप किया और ये हमें मिल गई, लाइक एकदम रियलिस्टिक जैसा। तो इसके बाद जो मैंने मोड इंस्टॉल किया है वो है वाटर से रिलेटेड। लाइक इस टेक्सचर पैक से वाटर भी ऐसा की ऐसा ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें भी एक अलग से ही टेक्सचर लगा दिया जाए। मैंने खूब ढूंढा कोई रियलिस्टिक टेक्सचर मिल जाए लेकिन मुझे नहीं मिला। तो मुझे दो टेक्सचर पैक मिले, एक तो था ये क्लीन वाटर, इसे थोड़ा सा तो बढ़िया हो गया था, और दूसरा था बेटर वाटर। इन दोनों मोड्स को मिलाकर एक काफ़ी अच्छा रियलिस्टिक इतना भी नहीं बना लेकिन काफ़ी हद तक एक बढ़िया वाटर का टेक्सचर आ चुका था। तो इसके बाद मैंने ऐड किया मोर वुड आइटम, रिसोर्स पैक और टेक्सचर पैक दोनों कर लिया। लाइक ये वुड कटर है जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया दिखती। उसके बाद ये कार हमारी लैम्बोर्गिनी, इसे आप यूज करके कहीं भी आ जा सकते हो फास्ट। देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही है, आप इसे बना सकते हो और आपका इससे एडवेंचर जल्दी हो जाएगा और आपको मज़ा भी आएगा। तो इस मोड के बाद गाइज मैंने इंस्टॉल किया एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक मोड, पैरासूट मोड। लाइक इससे आपके गेम में 4 या 5 अलग अलग तरीके के पैरासूट आपको मिल जाएंगे जिसे पहनकर आप कहीं से भी छलांग लगा सकते हो। इसका मैंने रिसोर्स पैक और बिहेवियर पैक इसका भी मैंने दोनों ही इंस्टॉल किया है। तो इस मोड के बाद मैंने एक बहुत ही फनी सा मोड इंस्टॉल किया है, मोर बॉडी एक्शन। लाइक आप इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हंसोगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये देखो गाइस ये लूट चुका है, लिटरली ये लूट चुका है स्टीम। तो इस मोड की खास बात यही है कि इस मोड से हमारा जो ये करेक्टर है स्टीव ये 4-5 तरीके का बॉडी एक्शन कर लेता है। लाइक अब देखो स्टीव लिटरली बैठ चुका है और अब देखो अगर आगे चलाते हैं तो ये बच्चों की तरह चलता है। तो इसके बाद मैंने ऐड किया है थारा भाई जोगिंदर को देखकर बवंडर मोड। लिटरली इस मोड को इंस्टॉल करने के बाद गेम में जो है बवंडर आ जाएंगे और यहाँ से हम एक टोर्नेडो सायरन ले लेते हैं, अगर टोर्नेडो आएगा कभी तो ये सायरन बच जाएगा। तो इस मोड के बाद मैंने इंस्टॉल किया होप का मोड, रिसोर्स और बिहेवियर पैक दोनों। ये एक तरीके का पक्षी होता है जो उड़ता है, पक्षी तो हालांकि सारे ही उड़ते हैं। ये मैंने सोचा कि ये गेम को एक अच्छे लुक देगा, स्काई में उड़ेगा तो एकदम नेचुरल और ब्यूटीफुल लुक आएगी। तो इसके बाद मैंने नेक्स्ट जो मोड इंस्टॉल किया है वो है नेदर का, मोर नेदर मॉब्स का रिसोर्स और बिहेवियर मैंने दोनों पैक इंस्टॉल किए हैं। ये देख सकते हैं इस मोड में ये क्या गया है, स्पाइडर, ये स्केलेटन स्पाइडर है और ये कौन सा गोला है भाई साहब, ये इससे जो नेदर है वो और भी ज़्यादा डेंजर हो जाएगा। पहले ही वो तेरा डेंजर है, अब और ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। तो मैंने नेदर में तो मॉब्स डाल दिए लेकिन मैंने ओवरवर्ल्ड का तो मैं भूल ही गया, तो इसके लिए मैंने डाउनलोड किया है इसके भी मॉब्स। इसमें बहुत सारे न्यू मॉब्स आ चुके हैं, लाइक लिटरली इसमें हर तरीके के जो हॉस्टाइल से भी हैं, लाइक लायन है ये हम पर अटैक कर सकते हैं। तो इसी के साथ 30 मोड्स कंप्लीट हो चुके हैं
और काफ़ी हद तक हमारा माइनक्राफ्ट जो वर्ल्ड है वो चेंज हो चुका है। तो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे। बाय।